बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी रमज़ान प्रिपरेशन आज डन हो चुकी है, तो आज मैंने बनाई है होल व्हीट चपाती, रोटियाँ बनाई हैं और मैं बना रही हूँ इसके साथ फ्रोज़न पराठा। चपातियाँ ज़्यादा खाई जाती हैं, फ्रोज़न पराठा ज़रा कम खाया जाता है, तो इसलिए मैं रोटियाँ ज़्यादा बना के रख रही हूँ और पराठा मैं कम बनाऊँगी। तो पराठा मैं यहाँ पर बना रही हूँ 1 किलो आटे से। आज मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक से बताऊंगी ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए। अगर आप लोग ऑर्डर का काम करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1 किलो आटा लिया है और यहाँ पर देखें, इसको इस तरीके से छान रही हूँ ताकि कोई भी कचरा वगैरह हो तो वो स्ट्रेनर में आ जाएगा। मैदे वाला पराठा हमारे घर में नहीं खाया जाता, पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं होल व्हीट का ही बनाती हूँ और ये हेल्दी भी है, अच्छा भी रहता है, आपका घर का बना हुआ होता है, साफ़ सुथरा होता है। तो आटे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है और यहाँ पर मीठा सोडा जो होता है, जो हम पकोड़े वगैरह में डालते हैं बेकिंग सोडा, वो डाला है 1/4 टीस्पून और यहाँ पर मैं ऑयल डाल रही हूँ 2 टीस्पून। तो मैंने इसको ना अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है एक बार और फिर उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छा पानी, कोई ठंडा गर्म ऐसा कुछ नहीं है, सादा पानी आप इसमें डाल सकते हैं। तो सादे पानी से इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से गूंध दिया है और गूंधने के बाद इसके ऊपर फिर से मैंने ऑयल लगा दिया है। अच्छी तरह से ऑयल लगाने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, इसी शॉपर में जो आटे का शॉपर था मैं उसी में इसको लपेट कर वापस रख दूँगी रेस्ट के लिए, तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो जब तक मैं यहाँ चपाती का आटा गूंध लेती हूँ, तो दोनों चीज़ें ही मुझे आज ही बनानी है, साथ साथ बनानी है। तो यहाँ पर मैं आटा ले रही हूँ चपाती रोटी के लिए। घर पर आपको चपाती रोटी किस तरीके से बनाकर सेव करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1500 ग्राम आटा लिया है। तो 1500 ग्राम यानी कि 1.5 किलो आटे से आपकी कितनी चपातियाँ बनेंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी अगर आप ऑर्डर वर्क करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है नमक और ऑयल डाला है 2 टीस्पून, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और यहाँ जो मैंने पानी इस्तेमाल किया है चपाती रोटी के लिए, तो वो पानी मैंने इस्तेमाल किया है गरम, बॉईल कर लिया है पानी को, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बॉईल भी नहीं है, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ है और फिर मैंने इसमें ऐड किया है पानी। तो इसलिए मैं इसको स्पून से गूंध रही हूँ क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गर्म है पानी और जब थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो फिर इसको मैं हाथ से गूंध लेती हूँ। तो हमारे घर में गर्म पानी का ही आटा गूंधा जाता है वैसे। तो इससे जो आपकी चपाती रोटी बनेगी ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होगी, आप आराम से रख कर इसको खा सकते हैं। तो बस इसको भी मैंने देखें एक शॉपर ले लिया है, उसमें रैप करके रख दिया है एक साइड पर, दोनों आटा जो है वो गूंद चुका है। तो अब मैं सबसे पहले बनाऊंगी फ्रोज़न पराठा। तो फ्रोज़न पराठा बनाना है मुझे, तो इसको मैंने एक साइड पर कर दिया चपाती रोटी के डो को और ले लिया है यहाँ पर फ्रोज़न पराठे का डो। तो पूरा आटा बाहर निकाल लिया है और इसको ना देखें इस तरीके से मैंने कर लिया है, कटिंग करने में आसानी हो जाती है, पेड़े बार बार आपको निकाल निकाल के बनाना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखिए 130 ग्राम का मैंने एक पेड़ा बनाया है, 130 ग्राम का पेड़ा, देखें आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो 100 ग्राम का भी बना सकते हैं, अगर आपको छोटा पराठा बनाना है तो आप 100 ग्राम का बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दरमियाने साइज़ का पराठा बना रही हूँ, 8 से 9 इंच का ये पराठा है। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि बड़ा पराठा चाहिए यानी कि 11 से 12 इंच का, तो फिर आपको 160 ग्राम पेड़ा लेना होगा। तो 160 ग्राम का जो पेड़ा होगा ना, उसका अगर आप पराठा बनाएंगे तो ये जो पेपर मैंने बटर पेपर कट किया है इसके साइज़ का हो जाएगा वो पराठा। तो ये भी अगर आपसे कोई डिमांड करता है बड़े पराठे का, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये दरमियाने साइज़ का पराठा है 130 ग्राम का। तो देखिए मैंने यहाँ पर बटर पेपर ले लिया था, उस पर स्प्रे कर दिया है ऑयल का और इस तरीके से पेड़ा बनाया है, आपने देखा होगा। तो ये बहुत ही अच्छा लच्छे वाला पराठा बन जाता है, ज़बरदस्त है, तो इसको आप सेव कर सकते हैं। इस तरीके से मैं सारे पराठे बना लूँगी। अच्छा अब मैं बताती हूँ कि ये जो हमने आटा गूंदा था इससे कितने पेड़े बने। इससे बने हैं 130 ग्राम के 13 पेड़े बने हैं और थोड़ा सा पीस बचा था, बिल्कुल थोड़ा सा, यानी उससे रोटी नहीं बन सकती, बच्चों की बन सकती थी, इतना छोटा सा पीस। तो देखिए इस तरीके से पेड़े बना के मैंने रेस्ट दिया है। रेस्ट क्या देना है, जब तक आप सारे के सारे पेड़े बनाएंगे ना, तो बस जब सारे पेड़े आपके तैयार हो जाए तो सबसे पहला वाला जो पेड़ा आपने बनाया है पराठे का, तो बस उसको बेलना शुरू कर दें, इतना कोई रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए पेपर में मैंने स्प्रे कर दिया है और फिर उसके बाद ये देखिए पराठा इस तरीके से बेल कर रख लिया और ऊपर से ऑयल लगा दिया है। बस इस तरीके से मैं बनाती जाऊंगी सारे पराठे। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो फिर आप कोई प्लास्टिक वगैरह लगा सकते हैं, और प्लास्टिक में भी अगर आप लगा रहे हैं तो इसी तरीके से आपको रखना होगा, एक एक प्लास्टिक के ऊपर एक एक पराठा।
इस तरीके से आपको रखते जाना है। ऑयल से ग्रीस ज़रूर करना है, मैंने बहुत कम से कम ऑयल का इस्तेमाल किया है। और ये देखिए, ये हमारे तैयार हो गए हैं सारे पराठे, ये देखें। तो अब मैं इसको जिप लॉक बैग में रख रही हूँ। तो देखिए, जिप लॉक बैग जो है ना, इससे थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए साइज़ में। और ये देखिए, बिल्कुल इसमें ना फिक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 6 पराठे इस बैग में रखे हैं। एक साथ ज़्यादा पराठे आपको नहीं रखने हैं, क्योंकि वो वज़न से जब दबता जाएगा ना, तो नीचे वाले पराठे जो है वो फैलते चले जाएंगे। तो इसलिए एक साथ आपको ज़्यादा पराठे नहीं रखने एक जिप लॉक बैग के अंदर। तो बस देखिए, मेरे पास एक ट्रे है, ये पराठों के लिए ही है मेरे पास ये ट्रे। तो मैं इसमें रख कर ऊपर फ्रीज़र में रख दूँगी। तो पराठे हमारे फ्रीज़ हो चुके हैं, और अब यहाँ पर चपातियों की बारी आ गई है। तो चपाती के लिए मैंने आटे का डो ले लिया है, पूरा हाफ हाफ कर लिया है, क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाता। तो इसको भी मैं इसी तरीके से ना कटिंग कर लूँगी, ताकि इसको उसका वज़न करने में इजी हो जाए। वज़न करके बनाने से ना बड़ी आसानी हो जाती है, कि एक साइज़ की सारी चीज़ें रेडी होती हैं, और हमें ये भी पता चल जाता है कि कितने आटे से कितनी रोटियां हमारी तैयार हो जाएंगी। तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ हो जाती है, कि अब मुझे ये पता है कि मैं इतना आटा लूँगी तो मैं इतनी रोटियाँ इसमें से बना सकती हूँ। तो चपाती रोटी का जो एक पेड़ा है ना, 110 ग्राम का है। आपने देखा, 110 ग्राम के सारे पेड़े मैंने रेडी कर लिए हैं। अच्छा, इसको आटे का डो बनाकर भी ना आपको ढककर रखना है, वरना ऊपर से आटा ड्राई हो जाएगा। तो बस एक पेड़ा मैंने ले लिया है, उसको बेल लिया है, और एक ही साइज़ का बने तो इसलिए मैंने ये एक ढक्कन ले लिया है, और इसको पिज़्ज़ा कटर से कट कर लिया। तो आपकी एक गोल गोल सी रोटी भी बन जाती है, और ये जो साइड का पीस बचा है ना ज़रा ज़रा सा, तो ये ज़रा ज़रा सा पीस बचेगा इतना कि आपकी 3 चपाती रोटियां बन जाती हैं इसमें। अच्छा, अब इसको डन कैसे करना है, इसको सेकना कैसे, देखें आप, फ्लेम इतना स्लो है, इतने स्लो में ही आपको इसको पकाना है। अच्छा, पकाने का तरीका ये है कि बिल्कुल हल्का सा इसको सेकना है दोनों साइड से, फुल डन नहीं करना है, यानी अच्छी तरह से रोटी को बिल्कुल रेडी करके नहीं रखना है। बस हल्का हल्का सा ये सिकेगा ना, देखिए हल्का हल्का सा स्पॉट आ गया ना ब्राउन, बस इतना ही इसको पकाना है, और इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी मैं रैक के ऊपर। तो जब आप ये निकालेंगे ना, गरम करेंगे, उस वक्त आप इसको फ्राई करना चाहें, यानी ऑयल या घी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको जब गरम करेंगे तो उस वक्त आप इसको सेकेंगे, तो बिल्कुल ये फ्रेश फ्रेश सी चपाती रोटी लगेगी आपको। तो इसी तरीके से मैंने देखे सारे रेडी कर लिए हैं। अच्छा, 1.5 किलो आटे से 30 रोटियां बनी हैं, चपाती रोटियां 30 बनी हैं। जब हमने पेड़े बनाए थे तो उस वक्त 24 पेड़े बने थे, लेकिन जब हमने रोटियां कटिंग की है ना साइडों से, तो उसकी जो साइड्स निकली हैं उससे 6 से 7 रोटियां एक्स्ट्रा बन जाती हैं। तो ये भी आपको मैंने बता दिया है, 130 ग्राम की, लेकिन 130 ग्राम की आपको 30 चपातियाँ बनेंगी 1.5 किलो आटे से। तो इसको देखिए, जब अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाए ना, इस पर बाहर ही रखे रैक के ऊपर, ताकि अब आपको पता है रोटी में वो गीला गीला सा हो जाता, वो ना हो, तो अच्छी तरह से इसको ठंडा करना है, और फिर उसके बाद आपको जिप लॉक बैग में करके आप फ्रिज में रखेंगे। डीप फ्रीज़र में नहीं रखना है इसको, फ्रिज में आप रख सकते हैं। तो इसी तरीके से 1.5 किलो आटा मैंने और गूंदा था, और 2 दर्जन चपाती रोटियां रेडी की हैं मैंने। तो रमज़ान प्रिपरेशन मेरी तो डन हो चुकी है, आप लोगों की कहां तक पहुंची, डन हुई कि नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। पूरे महीने आप इस चपाती रोटी को रख कर खा सकते हैं फ्रिज में। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक अपना और अपनी फैमिली का रख के बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।